वेलकम बैक टू चैनल सो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं जैसा कि कहा था अब इसके सिर्फ दो ही वीडियो है सो आई होप आप लोगों को ये स्टोरी का एंड चैप्टर काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लग रहा होगा तो so, चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो so, इस लास्ट चैप्टर में हमने ये देखा था कि उन दोनों का फोटोशूट हमें दिखाया गया था वेडिंग का एंड अब हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जो फादर होता है वो कहता है कि मैं पूछना चाहूँगा सीओ सिंह से पहले फादर कहता है आई विल विल्क सीओ सिंह फर्स्ट डू यू सी ओ सिंह एंड ली एज योर लाइफ पार्टनर एंड बिल्ड ए हैप्पी फैमिली एंड तभी हमारा जो सीओ सिंह होता है वो कहता है सीओ सिंह कहता है यस आई डू एंड फिर जो फादर होता है कहता है कि नाउ आई विल आस्क ली एंगजीन डू यू ली एंगजीन प्रॉमिस टू लव एंड चेरिस सीओ सिंह एज योर लाइफ पार्टनर एंड बिल्ड हैप्पी फैमिली एंड हमारा जो यंग होता है कैसे यस आई डू एंड तभी फादर क्या कहता है ओके नाउ एंड फादर उन दोनों का हस्बैंड एंड हस्बैंड अब कह देता है कि अब दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड हो चुके हैं दोनों मैरिड हो चुके हैं एंड तभी वो आगे कहता है कि उनके पेरेंट्स एंड जो भी गेस्ट है उनका स्वागत करें एंड उन्हें बधाइयाँ दे कहते हैं ना कि आशीर्वाद देना ब्लेसिंग्स दे एंड न्यू कपल को वो सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और यहाँ पर जो हमारे ली एंगसिन का अंकल होता है जुमहू वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होता है सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे एंड हमारा जो सीओ सिंह होता है वो हमारे एंगजीन के फोरहेड पर किस करता है एंड दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं एंड इन एंग हमारे जुम्हों को टीज कर रही होती है एंड जमहू तो काफ़ी ज़्यादा ठियरिया हिस्से उसे देख रहा था एंड हमारे सीओ सिंह के जो पेरेंट्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे एंड ली एंगजीन एंड सीओ सिंह की वेडिंग को सेलिब्रेट करते हुए लोग वाइन टोस्ट करते हैं एंड फिर उसके बाद एक फैमिली फोटो होती है जहाँ पर हमारे सीओ सिंह की फैमिली उसके कुछ बॉडीगार्ड एंड हमारे ली एंगजीन की फैमिली थी जिसमें युंगी एंड यंग भी शामिल थे एंड फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सीओ सिंह एंड हमारा जो ली एंगजीन थे वो केक कट करते हैं एंड यही ब्लू कलर की ड्रेस थी वो यही वो तकसी था जो कि हमारे यंग यंगजी ने ली यंग एंगजीन ने पसंद किया था एंड दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थे एंड कहते हैं ना कि हर एक खुशी को सेलिब्रेट करते हैं अपने पार्टनर का क्रीम लगाकर जैसे कि हम लोग अक्सर अपने फ्रेंड्स की बर्थडे में करते हैं एक दूसरे के फेस पे क्रीम लगाना जो कि फेवरेट पार्ट होता है सभी का उसके बाद डांस होता है जहाँ पर हमारे ब्राइड एंड ग्रूम आई मीन I mean, ग्रूम दोनों ग्रुप मिलकर इन्जॉय कर रहे होते हैं अपने उस डांस पार्टी को एंड फिर उसके बाद पूल पार्टी होती है जहाँ पर वो लोग पूरा अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे थे एंड फिर वो सीन वहीं पर कट होता है अब रात का सीन होता है जहाँ पर हमारा जो सी ओ सिंह था वो ली यंग सिंह को बहुत प्यार से सुला रहा था एंड दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थे सीओ सिंह कहता है कि वेल सभी लोग के जाने के बाद शिप से हम लोग क्या करने वाले हैं तो गाइस मैं बता दूँ उन दोनों की मैरिज ये सारे जो पार्टी थे वो शिप पर हुई थी एंड सभी लोग अभी तक शिप पर थे और कल सभी लोग चले जाएंगे इसीलिए हमारा जो सीओ सिंह था वो कहता है अगर सभी लोग कल चले जाएंगे शिप से तो हम लोग कल क्या करेंगे एंड तभी ये बात सुनते हमारा इंजन क्या कहता है हुँ? मेरे माइंड में कुछ भी नहीं आ रहा तभी सीओ सिंह हंसते हुए क्या कहता है ओके उसके बाद सबके जाने के बाद हम लोग क्यों ना पुल में नहाँ वो भी बिना कपड़ों के फिर हमें कोई देख भी नहीं पाएगा एंड ये सुनते हैं बात सुनते ही हमारा इंजन क्या था बट कैप्टन और बाकी के क्रू तो रहेंगे ना यहाँ पर एंड ये बात सुनते हैं हमारा जो सी ओ सिंह होता कहता है कि वेल अगर वो लोग हमें देख भी लेंगे तो वो लोग ऐसे प्रटेंट करेंगे कि उन लोगों ने हमें देखा ही नहीं है एंड ये बात सुनते हैं हमारा जो यंग सिंह होता है वो भी हंसने लगता है अब हमें सीन दिखाया जाता है मॉर्निंग का जहाँ पर मे बी आफ्टरनून का टाइम था एंड सभी लोग ड्रिंक इन्जॉय कर रहे थे जहाँ पर हमारा जो ली एंगजीन था वो पूरी तरीके से नेकेड था और कहता है कितना ज्यादा पीसफुल है ना और वो ड्रिंक को इंजॉय कर रहा था जहाँ पर उसके चेस्ट थोड़े से टाइप के लग रहे थे जो किस ये सीन में पूरा शो नहीं कर सकती तभी वहाँ पर हमारा सीओ सिंह आता है और वो भी ड्रिंक एंजॉय कर रहा होता है वो कहता है कि तुम्हें याद, याद है ना तुम्हें सनस्क्रीन लगाना है तुम्हें याद है ना एंड तभी हमारा जो यंगजिन होता है ओ नो मैं भूल गया एंड ये बात सुनते सीओ सिंह कहता है ओके मैं अप्लाई कर देता हूँ एंड उसके बाद हमारा जो लेंगजिन रहता है वो कहता है कि नहीं क्या सच में मुझे ये सारी चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत है यंग जिन जो होता है उसके बाद सुनकर हमारा सीओ सिंह होता कहता तुम्हें अप्लाई करने की ज़रूरत है यंग जिन की स्किन बर्न हो जाएगी तो उसकी स्किन बहुत जल्दी बर्न हो जाती है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे स्किन पर कोई भी दाग रह जाए समझे तुम आज सन बात लेने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल के लिए तुम्हें तुम ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखते हो एंड उसके बाद वो कहता है वेल well, हम लोग तो ये सारी चीज़ें होने तो नहीं दे सकते है ना एंड वो सनस्क्रीन को ओपन करता है और हमारे जंगजन की बॉडी पर इतना ज़्यादा सनस्क्रीन वो डाल देता है क्योंकि वो लिक्विड था तो उसकी चेस्ट से होते हुए लोअर पार्ट तक जा रहा था उसके अपडोम से होते हुए एंड उसके बाद हमारा जो सीओ सिंह होता है वो कहता है कि लेट डाउन एंड फिर वो उसको मसाज करने लगता है लेकिन इस तरीके से वो मसाज कर रहा था जो कि नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं लग रहा था वो इस तरीके से जनरल तरीके से टच कर रहा था उसके चेस्ट को रब कर रहा था पिंच कर रहा था एंड तभी हमारा जो यंग होता है वो कहता है कि ये पार्ट बेट ऑफ एंड तभी हमारा जो सीओ सिंह होता है वो कहता है ओके okay. क्या तुम्हें पसंद नहीं आया और वो दोनों अगेन एक दूसरे को किस करते हैं उन दोनों की कि किस काफी ज़्यादा डीप होती जाती तो ये हमारा जो सी सिंह होता है वो अपने हाथों को नीचे तक लेकर जाता है और कहता है मैं तुम्हारे हर एक बॉडी पार्ट पर हर एक इंच पर उस क्रीम को अप्लाई करना चाहता हूँ एक भी पार्ट मैं छोड़ना नहीं चाहता यंगजिन कहता है कि लेकिन सनलाइट लाइट वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी उस पार्ट तक एंड ये बात सुनकर सीओ सिंह कहता है टर्न अराउंड एंड वो उसको टर्न होने के लिए कहता है हमारा जो यंगजिन होता है वो टर्न भी हो जाता है।, है, है और उसकी तरफ देखने लगता है हमारा जो सी ओ सिंह रहता है अगेन क्रीम का यूज़ करता है एंड उसके बैक पर देता है एंड ये सच में ये पार्ट काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड लग रहे थे और मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी एटीन प्लस सीन से कम है उन दोनों के स्वीट मोमेंट चल रहे थे तभी हमारा जो सीओ सिंह होता क्या था क्या तुम्हें कोल्ड फील हो रहा है एंड तभी हमारा जो यंग सीन होता क्या था हाँ लिटिल बिट एंड फिर उसके बाद जो सी ओ सिंह था फिर उसके एकदम बैक से होती हुई उसको लोअर पार्ट तक आता इस तरीके से वो आ रहा था जैसे लग रहा था वो उसे सिड्यूस कर रहा हो एंड फिर उसके लोअर पार्ट पर आके अगेन वो अपनी नौती हरकतें करने लगता है तभी हमारा जो एन सी रहते कहता है लेकिन हम लोग अभी भी बाहर है एंड सीओ सिंह जो होता है कहता है कि बस हम दोनों ही तो हैं एंड उसको फिर से टच करने लगता है एंड दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं एंड वहीं पर बाहर में ही आई I मीन mean, ओपन स्काई के अंदर ही वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे जैसा कि उन दोनों ने कहा था कुछ क्रू मेंबर रहेंगे और कैप्टन रहेगा तो वो लोग अगर देखेंगे भी तो प्रिटेंड ऐसा करेंगे कि वहाँ पर कोई भी नहीं है और उन लोगों को किसी ने भी नहीं देखा उसके बाद दोनों पुल में आ जाते हैं दोनों एक साथ बैठे हुए थे आई मीन इंजॉय कर रहे थे पुल को एंड हमारा सी सिंह कहता है क्या हुआ तुम्हें नींद आ रही है हमारे जो एंग सी तो कहता है, हाँ मुझे नींद आ रही है तभी सी सिंह कहता है वेल ये थोड़ी प्रॉब्लम की बात है क्योंकि हमें अभी भी डिनर खाना है एंड तुम्हें अभी भी हेल्दी रहने की ज़रूरत है ना है ना एंड ये बात सुनते हैं हमारे एंगजिन कहता है बट मुझे खाने का मूड नहीं है मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया एंड अब हमें खाने की जरूरत नहीं है एंड ये बात सुनते ही हमारा जो सीओ सिंह होता है वो कहता है कि लेकिन तुम तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे तुमने दो लोगों का खाना खाया हो एंड तभी हमारे यंगजन हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें डॉटर चाहिए या फिर सन चाहिए एंड हमारा जो सीओ सिंह होता है वो सोचने लगता है कहता है वेल well, वेल well, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बट uh, uh, मैं चाहता हूँ कि जो बेबी हो वो स्मार्ट एंड क्यूट हो तुम्हारी तरह एंड ये बात सुनते ही हमारा यंगजिन कहता है कि स्मार्ट एंड वो बिल्कुल भी अग्री नहीं था कि वो स्मार्ट है बिकॉज वो एक्शन में स्मार्ट था तभी तो वो किसी भी चीज़ को हैक कर सकता था इतनी ईजिली तरीके से एंड तभी हमारा जो सी सिंह होता है कहता है कि क्या हम लोग शॉपिंग पे चले कल और उसके बाद डिनर भी कर लेंगे एंड तभी यंग सिंह कहता है ओके okay. एंड फिर उसके बाद दोनों उस पोल से निकलते हैं एंड हमारा सी सिंह उसे कैरी करके था और उसके बॉडी पर टावल को पूरी अच्छे तरीके से लपेटा हुआ था और कहता है कि ओके okay. तो ट्राई करो कि थोड़ा सो लो एंड उसके बाद मैं तुम्हें उठा दूंगा बाद में एंड तभी हमारा जो यंगजीन होता गया था ओके okay, एंड उसे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी तो वो स्लिपी फील कर रहा था सीओ सिंह उसे देख रहा होता है एंड अगेन दोनों एक दूसरे को किस करते हैं एंड तभी हमें तो हमारा जो सीओ सिंह था वो यंगजीन को रूम में लेके जाता और कहता है गुड नाइट यंगजी एंड दोनों सो जाते हैं जहाँ पर हमारे यंगज़ीन ने हमारे सीओ सिंह के नाइट शर्ट को पहन के रखा था और हमारे सी ओ सिंह ने पैंट्स को वेयर किया था एंड दोनों काफ़ी ज़्यादा लबी डबी लग रहे थे वो सीन वहीं पर कट हो जाता है अब हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी लाइटिंग थी एंड फिर हमें दिखाया जाता है लेकिन जिनका मैसेज जहाँ पर लिखा हुआ था कि आ, मैंने खाना ख़त्म कर लिया है क्या तुम तो मज़े कर रहे हो जो कि आधे घंटे में एक घंटे में मैसेज आया जा रहा था हमारा जो सी ओ सिंह था वो स्माइल कर रहा था और उन सारे मैसेज को देख रहा था वो बंदा कहता है कि वेल well, मैंने सुना कि तुम तो स्पॉन्सर कर रहे हो वेल well, तुमने तो इससे पहले कभी नहीं किया क्या तुमने मैरिज के बाद तुम्हारा माइंड और हार्ट दोनों चेंज हो गए हैं वेल सब कुछ चेंज हो जाता है मैरिज के बाद क्या तुम्हारी मैरिज क्या बोरिंग है या फिर कुछ और क्योंकि उन लोगों को तो कुछ और ही लग रहा था हमारा जो सीओ सिंह होता है वो सोचने लगता है वर्दा हेल ये सारे रूमर्स कहाँ से आ गए हैं तभी सीओ सिंह कहता है कि वेरी इंटरेस्टिंग ना एंड तभी वो आगे कहता है कि वेल well, मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो इन स्पॉन्सर कर रहा हूँ अच्छा ये बताओ वो एक मैन है या फिर वुमेन है एंड तभी जो दूसरा बंदा तो कहता है डोंट प्ले डम ओके यहाँ पर बहुत सारी बातें चल रही हैं रिसेंटली एंड तभी दूसरा बंदा कहता है क्योंकि ये सारे रूमर्स है और तुम्हें तो पता है ना कि बहुत सारे लोग तुम्हें हिट करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे लोग चाहते हैं तुम्हें और कई यहाँ पर हिट करने का मतलब है कि बहुत सारे लोग उसे अप्रोच करना चाहते हैं उसे क्लोज जाना चाहते हैं एंड सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि ये सारी रूमर्स थी कि वो वो ऐसा बंदा है जिसने कभी किसी को कुछ भी हिंट नहीं दिया सभी लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते है लेकिन सीओ सिंह कभी किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ एंड मैरिज हो गई सडनली तो सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे एंड तभी आगे एक बंदा कहता है कि इवन क्योंकि इंटरटेनमेंट काफ़ी ज़्यादा ईगर है तुम्हारे इस स्पॉन्सरशिप के लिए कोई है जो स्पॉन्सरशिप चाहता है एंड तभी ये बात सुनते सी ओ सिंह कहता है well, वेल मैं इन सभी चीज़ों में इंटरेस्टेड तो नहीं हूँ फ़िलहाल के लिए एंड तभी दूसरा बंदा कहता है hey, ही तुम ऑलरेडी जा रहे हो एंड तभी एक बंदा कहता है तुम्हारा जो बेटर हाफ है उसको काफ़ी ज़्यादा दूर रख रहे हो हम सबसे तुम्हारा जो ओमेगा है वो क्या इतना ज़्यादा स्पेशल है कि हम लोग से इतनी ज़्यादा दूर रख रहे हो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन होगा ओ oh, कमॉन क्यों नहीं तुम हमारे साथ उसे हुकप करने देते हो एंड सी सिंह जो रहता है उसे थोड़ा गुस्सा आ रहा था लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता एंड वो सीन वहीं पर कट हो जाता है अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारा जो सीओ सिंह था वो हमारे यंगजिन के साथ था और वो दोनों खाना खा रहे थे हमारा जो यंगज़िन होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था एंड तभी सीओ uh, सिंह कहता है कि क्या अच्छा है यंगज़िन कहता है हाँ ये बहुत ज़्यादा डिलिशियस है तभी सीओ सिंह कहता है कि तुम काफ़ी अच्छे से खाने लगे हो एंड तभी वो आगे कहता है कि तुम्हारा जो वेट है ना वो अभी भी गेन नहीं हो रहा है एंड ये बात सुनते हैं यंगसिन कहता है, नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है एंड तभी हमारा जो यंगजिन होता है कहता है कि वेल मैं काफ़ी से तो कोशिश करता हूँ मैं सोता भी हूँ बहुत अच्छे तरीके से लेकिन फिर भी लेकिन मैंने नोटिस किया है थोड़ा सा तो मेरा वेट गेन हुआ है एंड तभी हमारा जो सीओ सिंह होता कहता है कि आर यू श्योर लगता है जो बेबी है वो ग्रो हो रहा है उस उसकी वजह से तुम्हारा वेट गेन हो रहा है ये बात सुनते हैं हमारा जो यंगजी रहते कहते ओ अच्छा बट तुम क्यों नहीं खा रहे हो हमारा जो सीओ सिंह होता है वो हंसने लगता है और कहता है कि पहले तुम ना मुश्किल से एक बर्गर खा पाते थे अभी तो बहुत ज़्यादा खा लेते हो एंड उसके बाद हमारा जो यंगजिन था वो खाए जा रहा था हमारा जो यंगजिन होता है हंसते कहता है वेल शायद ये इसलिए है कि तुम मेरे साथ रहते हो तो इसलिए सबका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाता है सी ओ सिंह उसकी तरफ देखने लगता है और हंसते हुए कहता है रियली really? एंड उसके बाद दोनों बाहर निकलते हैं खाना खाकर एंड तभी हमारा जो सीओ सिंह होता है कहता है कि वैल well, नॉर्मली तुम सब कुछ खा लेते हो क्या तुम्हें आज किसी चीज़ की क्रेविंग uh, हो रही जो तुम खाना चाहते हो हमारा जो सीओ सिंह होता है उसके पास कहता है कि नॉट रेली आई थिंक जो बेबी है वो काफ़ी ज़्यादा शांत है इसीलिए तो फिलहाल खाने का कुछ मूड नहीं है एंड तभी वो आगे कहता है प्लस जो शेफ़ है ना उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें रखी है फ्रिज में उन्होंने पूरा स्टॉक ला के रखा है फूड का तो इससे पहले कि ख़त्म हो कुछ वो फिर से फिल कर देते हैं तो फिलहाल तो मेरा कुछ खाने का मन नहीं है एंड जो सीओ सिंह होता है सोचने लगता है कि क्या हमें एक ड्राइव पे चलना चाहिए इससे पहले कि हम लोग घर जाएं एंड तभी हमारा जो सीओ सिंह तो कहता है कि वेल यंग सिंह क्या तुम तो मेरा वेट करना चाहोगे और इससे पहले वो कुछ कह पाता एक बंदा आता है कार में और कहता है कि मिस सीओ वाओ फैंसी मीटिंग हाँ एंड फिर आगे वो कहता है कि वेल well, मैंने आजकल आपको देखा ही नहीं काफ़ी ज़रा टाइम हो गया हमें मिले हुए एंड ये बात सुनकर सीओ सिंह कहता है प्रसेंट पार्क एंड प्रसिडेंट पार्क कहता है हे नो नीड हाँ आपको इतना ज़्यादा फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है और वैसे भी हम लोग तो अक्सर ही मिलते रहते हैं ना आफ्टर ऑल हम लोग की मीटिंग इतनी ज़्यादा भी रेयर नहीं है एंड फिर तभी कहता है सो so? एंड तभी उसकी नज़र हमारी यंगजी पर जाती है और वो कहता है कि ओ oh, तो आप यहाँ पर डिनर के लिए आए थे क्या मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया एंड तभी वो बंदा आगे कहता है हो तभी हमारे कहता है क्या मैं आपका कार में वेट करूँ एंड गंजित की बात सुनकर प्रेजेंट यू कहते है नहीं अभी प्रेजेंट पार्क हमारे रास्ते में है तो अभी मैं कार यहाँ पर ला नहीं सकता तभी तो जो मिस्टर पार्क होता है वो कहता है कार देते हुए कहता है कि वेल हम लोग पहले कभी मिले नहीं है तो मैं आपको अपना कार्ड दे रहा हूँ अगर मौका मिले तो आप प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर मीटिंग कीजिएगा एंड मैं आपके डिप्यू में ज़रूर मदद करूँगा और क्या अभी कोई एजेंसी है मैं उसके साथ कांटेक्ट करना चाहूँगा और आपके टच में रहना चाहूँगा और वो पर्सन पर्सन जो पार्ट था वो यंगजिन को किसी दूसरे वे से अप्रोच कर रहा था दूसरे चीज़ के लिए आप लोग तो समझ सकते हैं किस चीज़ के लिए तभी वो आगे कहता है ओ आपको बहुत ज़्यादा पेनल्टी फी मिल रही होगी हाँ आई एम श्योर प्रेसेंट यू आपको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे होंगे एंड तभी यंग सीन के ओ हाँ एंड तभी हमारा जो सीओ सिंह नेता कहता है प्रेजेंट पार्क और यंग सिंह के हाथों से वो कार्ड ले लेता है और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि मैं समझ गया कि आप हमारी वेडिंग में नहीं आए बट आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज़्यादा ही आगे जा रहे हैं एंड तभी वो कहता है कि आ, मैं आपको आपका बिजनेस कार्ड वापस कर रहा हूँ एंड तभी पेसेंट पार कहता है हाँ वॉट एंड तभी वो कहता है वेट क्या आपने प्राइवेट वेडिंग अरेंज की थी ओ माई बैड आई एम रियली सॉरी मैंने लगता है कुछ गलती कर दी है एंड अब हमें सीन दिखाया जाता है कार का जहाँ पर पेसेंसी और यंग सीन दोनों थे एंड यंग सीन सोच रहा था पेसेंसी वो लग रहा है गुस्से में है एंड तभी वो सोचने लगता है वो पर्सन वो काफ़ी ज़्यादा वियर था एंड तभी हमारा पेसेंट सीओ कहता है पहली बात तो ये कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि सभी लोग गलत समझें आई थिंक हम लोग को एक पेट नेम रख लेना चाहिए एंड तभी ये बात सुनते हैं था, पेट नेम पसेंट यू सोचने लगता है कि मैं चाहता हूँ एंड आई थिंक हम लोग को भी सिली नेम से एक दूसरे को बुलाना चाहिए बट क्या होगा अगर सभी लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या फिर कुछ रेडिकुलस रूमर्स फैल गए क्या सारी चीज़ों से कुछ चेंज होने वाला है बट ली यंगजिन और मैं हम लोग एक दूसरे को किसी दूसरे नाम से बुलाना चाहिए ऐसा सोचने लगता है कि अगर मैं कहूँ तो हमारी मैरिज हो चुकी है हम लोग डीपली कमिटेड है एक दूसरे से लेकिन कोई भी हम लोग के पास कोई भी हमारे रिलेशन का कोई भी ट्रांस नहीं है कोई भी हमारे पास चीज़ नहीं है और उसे गुस्सा आ रहा होता है एंड तभी कहता है कि हम लोग की मैरिज ऑलरेडी थ्री मंथ्स हो गया हमारी मैरिज के एंड कब तक तुम मुझे प्रेजेंस यू कहकर बुलाने वाले हो एंड ये बात सुनते ही हमारा जो एक्सिन होता कहता है बट सीओ सिंह कहता है बट एंड सिंह कहता है वेल एंड तभी सीओ सिंह कहता है वेल एंड तभी यंग सिंह कहता है बट आप प्रसेंस यू हैं एंड प्रसेंसो जो होता है उसे कहता है हाँ एंड अब सिग्नल आ जाता है और वहाँ पर कार रुक जाती है एंड कार वहाँ पर खड़ी होती है एंड तभी हमारे एंग सिंह कहता है तो फिर कैसा रहेगा एंड तभी सी ओ सिंह कहता है किस बारे में कैसा रहेगा कहता है जार्लिंग वो ये सारी चीज़ें कहते हुए काफ़ी ज़्यादा तो ब्लश कर रहा था एंड डार्लिंग वर्ड सुनने के बाद हमारा जो सी सिंह होता है वो भी सरप्राइज हो जाता है एंड फिर अगेन हमारा जो एंगज सिता है एंड हमारा जो सीओ सिंह रहता है उसका भी फेस पूरा रेड हो चुका होता है एंड ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग बात रहती है सो गैज यहीं पर चैप्टर ख़त्म हो जाता है आप बचे तीन चैप्टर एंड टू वीडियोज़ में ख़त्म कर दूँगी उसको एंड क्योंकि मैं चाहती हूँ जो लास्ट चैप्टर हो थोड़ा सा स्पेशल हो और क्योंकि लास्ट चैप्टर है तो उसको डिटेल में एंड काफ़ी ज़्यादा क्यूट वे में शेयर करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है तो लास्ट चैप्टर को तो सिंगल ही एक्सप्लेन करने वाली हूँ सो आई होप गाइज आप सभी को चैप्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं बोलना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए और दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि उस पर ऑडियो मांगा जल्दी ही लेकर आने वाली हूँ एंड uh, बाकी चीजों के लिए मेरे साम पर बने बाय सी यू एंड गाइस